हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला मैं यहाँ पे 2.9 अपडेट के बारे में, यहाँ पे कब ये अपडेट आ रहा है और कौन से फीचर्स यहाँ पे कंफर्म इस अपडेट में हमें देखने को मिलेंगे बीजीएमआई के। तो बीजीएमआई वालों ने यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर दिया इस अपडेट को यहाँ पे टीज करना। रिसेंटली यहाँ पे एक टीजर हमें देखने को मिला छोटा सा, जहाँ पे आपको जो 2.9 पॉडकास्ट है वो दिख रहा है प्ले पे, और जो कि आप कह सकते हो इस अपडेट का मेजर टैगलाइन या फिर कुछ कह सकते हो जो कोलैबोरेशन है उसके रिलेटेड यहाँ पे जो चीज है वो है। काफी जल्दी अभी जो अपडेट है ये भी यहाँ पे रोल आउट होने वाला है। अब तक जो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 28 नवंबर है। 28 नवंबर को यहाँ पे एंड्रॉइड और आईओएस पे दोनों का जो अपडेट है वो एक्सपेक्टेड है। एक दो दिन के अंदर यहाँ पे ऑफिशियल पैच आउट्स के साथ साथ यहाँ पे इसका जो नोटिस एंड गेम है वो आ जाएगा। लेकिन काफी सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म्ड है जो कि आपको इस अपडेट में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फीचर आता है वो है यहाँ पे फुल ऑटो मोड। काफी सारी गन्स पे आपको पता है कि आपको जो फुल ऑटो मोड की अटैचमेंट है वो यहाँ पे लगती है। तो अब जो नेक्स्ट 2.9 अपडेटों का बीजीएमआई का, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे काफी सारी और गन्स हैं, जैसे कि SKS, QBU, Mini-14, SLR और MK12। ये जो सारी गन्स है दोस्तों यहाँ पे अभी सिंगल के बाद यहाँ पे जो फुल ऑटो मोड है वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगी। जिस अटैचमेंट को हम लगा के यहाँ पे Mini-14 को यहाँ पे अपना जो फुल ऑटो पे चलाते थे वही सेम अटैचमेंट यहाँ पे इन गन पे भी लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे जो गन है ये सिंगल के साथ साथ ऑटो मोड है वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज और सॉर्ट ऑफ मेन फीचर होगा इस अपडेट का वो यहाँ पे अपना जो बीजीएमआई क्रॉस रणवीर का कोलैबोरेशन है वो आने वाला है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्रेट देखने को मिलेगी जहाँ पे कुछ स्किन्स है रणवीर सिंह की वो यहाँ पे आएंगी, और इवन यहाँ पे एक अपग्रेडेबल M249 की स्किन है वो भी यहाँ पे आने वाली। कुछ नए इमोट्स हैं, अपना वॉइस पैक्स हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस कोलैबोरेशन में। देन फिर दोस्तों यहाँ पे आता अपना जो नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर के अंदर आपको यहाँ पे एक जो व्हीकल स्पॉन गैराज है वो देखने को मिलेगा। बेसिकली एक इस टाइप की बिल्डिंग है जो कि आपको इरांगल के साथ साथ यहाँ पे काफी सारे और मैप्स पे जगह जगह पे देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप इसके पास जाते हो तो देख सकते हो क्या होगा, आपको एक बटन दिख रहा होगा, आप इस पर टैप करके यहाँ पे कोई भी जो व्हीकल है चारों में से आप बुलवा सकते हो। अगर आपको नॉर्मली घूमते घूमते खेलते खेलते इरांगल के अंदर कोई यहाँ पे व्हीकल नहीं मिलता है तो ये भी एक काफी कमाल का जो फीचर है वो हमारे पास आने वाला है अपने नेक्स्ट अपडेट में। फिर इसी अपडेट में आपका एक जो हिडन यूआई का मोड है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ वीडियोस बनाने के लिए काफी काम आएगा। आप यहाँ पे फटाफट से अपने जो आउटफिट्स हैं, कुछ इमोट्स हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी मनमर्जी से आप चाहो तो यहाँ पे जब उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो बिना कोई कट के यहाँ पे काफी सारी सब जो वीडियो है वो यहाँ पे बन जाएगी अगर आप बनाते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है उसके अंदर आपको ऑफ कोर्स अब एक जो नया मिथिक फौज है वो देखने को मिलेगा। तो अभी एग्जैक्ट 100% तो कंफर्म नहीं है कि क्या मिथिक फौज आने वाला है, लेकिन आप स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हो जो कि मिथिक फौज एक पुराना मिथिक फौज है। तो ये वाली जो इमेज है ये गेम के अंदर एक्टिव है कुछ दिनों से। अब ये वाली इमेज तो वैसे यहाँ पे पुराने मिथिक फौज के हिसाब से डिजाइन की, अब मे भी हो सकता है यहाँ पे कोई बग हो या फिर अपना 28 को 2.9 जब अपडेट आएगा तो उसी दिन यहाँ पे अपना जो नया मिथिक फौज है उसी के अंदर ये अपडेट हो जाए। तो पैच नोट्स एक दो दिन के अंदर आएंगे, हो सकता है उसके अंदर जो नेक्स्ट मिथिक फौज है वो यहाँ पे रिवील हो जाए कंफर्म। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे और इवेंट्स हैं, ग्रोथ पैक है, अपना जो परचेज गिफ्ट्स है वो सारे भी जो आपको इवेंट्स है वो आपको नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे कुछ यूआई में भी चेंजेस होंगे यहाँ पे शॉप में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो काफी सारे स्पेंस हैं, क्रेट्स हैं, वो आपको एक अलग ही डिजाइन देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा टीजर हो सकता है 3.0 अपडेट का। 3.0 अपडेट के बाद हो सकता है ये जो पूरा सेक्शन है ये बिल्कुल ही पलट जाए। 2.9 अपडेट है उसी के अंदर आपको जो नया कंपेनियन है स्नो रास्कल बड़ी वो भी देखने को मिल जाएगा, एक काफी क्यूट सा स्नोमैन है। साथ में यहाँ पे जो वुल्फ कंपेनियन था वो भी यहाँ पे रिटर्न आएगा इस होला बड़ी के यहाँ पे स्पिन में। तो देख सकते हैं बिल्कुल एक नए तरीके से आपको जो यूआई है वो यहाँ पे दिख रहा है और एक नई स्किन भी है यहाँ पे जो वुल्फ की आने वाली है इसके साथ। फिर हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे मिली सिलेक्शन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा 2.9 में जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे जो मैच का डिफॉल्ट मिली वेपन है वो कौन सा लेना है। डैगर या मैचेटी के अंदर यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन मिलता है, पहले मेरे ख्याल से पैन था, उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया। और इसी के साथ यहाँ पे अपना जो कुछ कस्टम एसएफएक्स सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड की गई हैं, जहाँ पे अपने जो व्हीकल की साउंड है, अपना फायर आर्म की साउंड है और जो क्विक चैट की यहाँ पे साउंड है, तो आप उसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो 80% तक। तो ये भी एक काफी कमाल का फीचर होने वाला है नेक्स्ट अपडेट के लिए। और साथ ही में यहाँ पे जो इमोट्स की कैपेसिटी है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया। तो मैच के अंदर आप यहाँ पे 12 के बजाय यहाँ पे 24 इमोट्स हैं वो यहाँ पे ले जा पाओगे। इन सब के साथ दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के अंदर कुछ मेजर इवेंट्स भी आने वाले हैं, जैसे कि जो पगानी का कोलैबोरेशन है वो होगा। पगानी के अंदर यहाँ पे जो दो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे कोप आरबी वाले हैं। और साथ में यहाँ पे जो गोस्ट करके यहाँ पे एक स्किन है जो कि आप कह सकते हो कोप आरबी की ओरिजिनल स्किन होगी गेम की, वो भी यहाँ पे आएगी। और पुरानी जो स्किन थी अपना जो रोबस्ट और रैप वाली वो भी आपको यहाँ पे इस पगानी की स्पीड ड्रिफ्ट पर देखने को मिल जाएंगे। और इवन यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट अपना एक्सूट होगा, काफी एक अच्छा सा एक्सूट आ रहा है फ्योरे, वो भी आपको यहाँ पे बीजीएमआई के अंदर देखने को मिल जाएगा 2.9 में। बाकी अपने यहाँ पे कुछ नए अल्टीमेट सेट्स हैं, फॉक्सी फ्लेवर वाला और अपना जो विंटर हाइनेस सेट है, तो ये दोनों भी यहाँ पे 2.9 अपडेट किए हैं। हो सकता है बीजीएमआई में सिर्फ एक ही यहाँ पे सेट है इनमें से,
इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो अपना विंटर हाइनेस का जो अल्टीमेट है इसका ट्रेलर है, तो इसके अंदर आपको जो AKM और M4 की शैडो है वो देखने को मिल रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो AKM की 7Cs या फिर जो AKM की ग्लेशियर है वो भी यहाँ पे इस अल्टीमेट स्पिन के साथ आएगी। और आगे M4 है तो हो सकता है वो M4 ग्लेशियर और बीच में तो ऑफकोर्स अब आ रही है क्रेट की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे कुछ और सेट्स है और जो M4 ग्लेशियर है वो यहाँ पे आने वाली है। बाकी इसी अपडेट में हमें जो नया सीजन है और नया रॉयल पास है वो भी देखने को मिल जाएगा। रिवॉर्ड्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले एक स्नो लेपर्ड वाला सेट है वो मिलेगा M4 में, और जो DBS की अपग्रेड स्किन है वो आएगी। और ये सारे हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना सीजन होगा तो उसके कुछ रिवॉर्ड्स हैं, SKS की एक स्किन है वो यहाँ पे डायमंड पे आ जाएगी। इसी अपडेट में आप एक काफी ग्रैंड इवेंट भी होगा जो कि एनुअल पॉपुलैरिटी गाला वाला है, तो वहाँ पे आपको काफी सारे कमाल के कुछ रिवॉर्ड्स हैं, जहाँ पे आपको काफी रेयर टाइप के जो रिवॉर्ड्स हैं, काफी अपना टॉप प्रायोरिटी के यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। और साथ में जो नॉर्मल अपना पॉपुलैरिटी बैटल होता है वो भी यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट में आएगा। मिथिक फोर्थ के बाद यहाँ पे एक और जो डिमांड में चीज है जो अपने यहाँ पे जो AG से मटेरियल रिडीम करने वाला है, यहाँ पे जो अपना सिस्टम है ट्रेजर वाला, वो यहाँ पे अब तक नहीं आया है। तो इसके भी चांसेस है कि हमें ये जो नेक्स्ट 2.9 अपडेट है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है ग्लोबल के अंदर यहाँ पे जो A3 रॉयल पास से यहाँ पे चीज को ऐड किया गया था और इस वजह से यहाँ पे इसको नहीं डाला गया अब तक, लेकिन अब A3 रॉयल पास भी आ चुका है, अगर ये गेम के अंदर आना होगा तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर फॉर श्योर आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो खत्म ही समझो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लास्ट फीचर है वो यहाँ पे अपना जो नया थीम मोड है, काफी कमाल का जो थीम मोड है वो भी आने वाला है, फ्रोजन किंगडम। ये वाला मोड आपको यहाँ पे काफी सारे मैप्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक बड़ा सा जो फ्रोजन कैसल है, एक टाइप की बिल्डिंग है अपना स्टालबर पे, वो देखने को मिलती है। तो वहां पे आप जाके अपने जो काफी सारे इंटरेक्टिव आइटम्स हैं, स्केटबोर्ड है इसका, अपना जो स्नोबॉल ब्लास्टर है, और इवन यहाँ पे कुछ और चीजें में अपना जो एक नया व्हीकल भी इसमें ऐड हुआ है, तो आप उन सबको यहाँ पे यूज करके मजा ले सकते हो। ये वाला मोड भी यहाँ पे 2.9 के अपडेट में आने वाला है। BGMI के अंदर कुछ छोटे मोटे टाउन्स हैं जो कि आपको इस मोड के अंदर देखने को मिलते हैं, वहां पे भी आपको काफी सारे लोअर रिलेटेड यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसी मोड के अंदर 12 दिसंबर को यहाँ पे स्ले भी ऐड होगा, तो उसके बाद यहाँ पे जो रेनडीर वाला व्हीकल है उसको आप अपनी पूरी स्क्वाड के लिए बना सकते हो, और उसके बाद अपना जो व्हीकल है वो यहाँ पे इवन यहाँ पे फ्लाई भी करने वाला है। तो ये वाली एडिशन आपको 12 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी BGMI के अंदर भी। इस मोड के अंदर यहाँ पे जो स्मॉल टाउन्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपको अपना 12 दिसंबर को भी यहाँ पे क्रिसमस की कुछ डेकोरेशंस हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक क्रिसमस ट्री ऐड होगा जिसपे आप मार के कुछ लूट है वो ले सकते हो। मोड के अंदर भी आपको यहाँ पे एक लकी आइस करके एक फीचर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक फ्रोजन टाइप का आइस है वो मिलती है, तो आप उसको यहाँ पे अपना फोड़ के अपना डैगर से या फिर मशेटी से अपना गन से किसी से मर्जी से आप ब्लास्ट कर सकते हो, और वो भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी लूट है वो देता है मैच को स्टार्ट करने के लिए। जाते जाते यहाँ पे कुछ बोनस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इस अपडेट के अंदर यहाँ पे अपना जो हमारा डासिया है, मेराडो है, कोपाल भी है, तो ये तीनों जो व्हीकल्स हैं इनकी जो हैंडलिंग है वो यहाँ पे काफी स्मूथ हो चुकी है, जैसे कि पहले बगियों किया था वैसे अब यहाँ पे व्हीकल्स भी यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे सही किए गए। गेम में जब लैग होता तो ये व्हीकल्स काफी अजीब से बिहेव करते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा यहाँ पे सही किया गया, और साथ में इनके कुछ डैमेजेस हैं उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया। इवन यहाँ पे जो फ्यूल है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया गया इस व्हीकल में, अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे फ्यूल्स है वो खत्म होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ जो गन्स हैं, K9, मॉसिन नेगेंट और भी यहाँ पे कुछ गन्स हैं, तो उनके कुछ कैमरा एंगल्स को यहाँ पे इंप्रूव किया गया जब आप उनसे शूट करते हो, और साथ में यहाँ पे कुछ जनरल इंप्रूवमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे उन गन्स में की गई है। कुछ रिलोडिंग एनिमेशन है उसमें भी यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे की गई है। और इसके अलावा लास्ट में आपको इस अपडेट में एक जो नया विक्ट्री डांस है वो देखने को मिल जाएगा। विक्ट्री डांस के लिए भी एक अलग सा कैमरा एंगल है वो यहाँ पे डाला गया, तो आप इसको स्विच कर सकते हो और अपने विक्ट्री डांस को आप काफी आसानी से देख पाओगे 2.9 अपडेट के बाद। तो ऑफिशियल पैच नोट्स के बाद अगर यहाँ पे कुछ और निकल के आता है ऑफ कोर्स हम देखेंगे यहाँ पे उसको नेक्स्ट वीडियो में। अब यही था आज की वीडियो आपको जो बताना था, बाकी अब ज्यादातर यूट्यूब के रीति रिवाज है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।